नहीं, देखो कैसे उड़ गया। इतना सारा बैटरी का काम करना है। इसका क्या है? हाँ क्या बोले, पावर है ना, बजरंग बली स्पंज 20 बैटरी है। ये बैटरी उड़ गया, अब हमको ठीक करना है। अरे यूपीएस है, जैसे आप लोग देख रहे हैं बैटरी निकाल दिए हैं। दो बैटरी खराब है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इतना सारा बैटरी खराब निकला है, रखा हुआ है। बैटरी आने का, वो ल्यूमिनस का बैटरी आया है, इसको चेंज करना पड़ेगा। इसमें भी देखना पड़ेगा इसका पानी सही है कि नहीं। इसका पानी तो सही है, इसका पानी सही है, देखते हैं चेंज करके बताते हैं। ऐसा ऐसा काम हो रहा है, ये बैटरी का पानी चेक करेंगे, उसके बाद देखते क्या होता है। ये दोनों तो डैमेज हो गया, देखिए कैसे फटा है बैटरी, कैसे फटता, देखिए उड़ गया पूरा। यूपीएस है 10 KV इसका बैटरी है, इसमें पानी शायद सूख गया था, जिसके कारण ये लोग चेंज नहीं किया, जिसके कारण ये फट गया, इसके कारण ये फट गया। अभी ये सब जो है, इसका भी आप देख सकते हैं पानी, अभी बिल्कुल पानी नहीं है इसमें, आप देख सकते हैं। मैं खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, अंदर में देखिए पूरा सूखा मिलेगा, जिसके कारण बैटरी भी हीट भी हो चुका है, बहुत हीट हो गया है। इसमें भी दिखा रहे हैं आपको, सेकंड बैटरी में भी पूरा सूख के प्लेट हो गया है। ऐसे में अगर इन्वर्टर चार्ज होता है, बैटरी अगर इन्वर्टर से चार्ज रहता है तो ये फट भी सकता है। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, टोटल 3 बैटरी 4 बैटरी जिसका पानी एकदम ख़त्म है। तो आज हम इसको रिपेयर करेंगे, और इसमें कौन सा पानी डालना है वो हम आपको डलवा के दिखाते हैं, डाल के दिखाते हैं, फिर पैक करके यूपीएस चालू करके दिखाते हैं। एक साइड का बैटरी लगा, इसे में पानी पूरा फुल है, ये चारों का में गड़बड़ है, कभी भी उड़ सकता है। तो बने रहे वीडियो में, और चैनल को पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसमें इलेक्ट्रिक से भरी जानकारी आपको देंगे। बैटरी बहुत खतरा हुआ, इसका बैटरी, इसका में पानी पूरा सूख गया, हीट हो गया है। ये इतना हीट नहीं हुआ है जितना ये हीट हो रहा है, बहुत हीट हो गया है। तो पानी डालना पड़ेगा वरना उड़ जाएगा, बैटरी खराब है। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक, देखिएगा हम आपको दिखाते हैं पानी डाल के और चला के। ये इसका कनेक्शन है, ये आउटपुट जाएगा, ये आपका इनपुट जाएगा, और ये आपका बैटरी का प्लस माइनस, ये यूपीएस का कनेक्शन है। तो बने रहिए वीडियो में, मैं आपको दिखाता हूँ। बैटरी अभी आया है, और एक बैटरी लाने गया है यहाँ, और दो बैटरी थे जो ख़राब हो गया है। ये दोनों बैटरी को मैं अभी चेंज करूँगा, कनेक्शन में इसका सब डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, वरना हीट हो जा रहा है। मैं इसका डिस्कनेक्ट करता हूँ कनेक्शन पहले, उसके बाद आपको बताता हूँ। मैंने बैटरी का एक एक वायर खोल दिया हूँ, जिससे एक दूसरे के साथ चार्ज ना हो, सब बैटरी के एक एक वायर में खोल दिया हूँ। अब मैं इसमें पूरा अच्छी तरीके से पानी डालूंगा, उसके बाद कनेक्ट करूंगा। देखिए इतना सारा डिस्टिल वाटर आया है, 2-2 लीटर वाला, ये और इधर है। ये भी हम लोगों को चाय ला के दिया, चाय पी पी के काम होगा। डिस्टिल वाटर आ गया है। इतना जो बैटरी आपको दिख रहा है, ये कोई घर का नहीं है, ये यूपीएस, ये एक ऑफिस का है, कंप्यूटर चलता है इसके लिए है। तो आज हम लोग इसको पूरा ठीक करने वाले हैं, और ठीक करके ऑन करके आपको दिखाएंगे कि बैटरी को कैसे रिपेयरिंग किया जाता है, कैसे किया जाता है, बैटरी को सही किया जाता है। तो हम लोग का वीडियो में बने रहे एंड तक, देखिएगा। और पानी को कभी भी डालेंगे तो ये कांपा में करके ऐसे करके डालिएगा, जिससे कि पानी बाहर न गिरे। इतना बड़ा बोतल का पानी अगर इसमें डालेंगे तो इससे चोंगा बोलते हैं हम लोग को, ये चोंगा में करके डालने का, आपको दिखाएंगे कैसे डाला जाता है, ठीक है। सब ढक्कन खोल दिया है, डला रहा है, बगल
ऊपर ऊपर करके रख। हाँ देखो कैसे डलाता है। अरे आप लोग ये मालूम नहीं है, धीरे धीरे डालने का, धीरे 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 पानी पूरा खत्म हो गया। दूसरा ट्रांसफर करो, देख देख के धीरे धीरे डलाएगा, ऊपर तक आना नहीं चाहिए। चुंगी में करके डालने का, जिससे कि बहुत अच्छे से जाएगा, पानी एक्स्ट्रा नहीं गिरना चाहिए बैटरी में। दो दो लीटर बुझ जा रहा है एक में, इतना प्यासा है, साल का पिया नहीं पानी, पूरा सूख गया है बैटरी। बोतल भी टेढ़ा नहीं हो पा रहा, ये भी खा गया, खत्म हो गया। देखो दो दो लीटर का बोतल खत्म हो जा रहा है, मतलब 5 लीटर से 2 लीटर में सप्लाई कर रहा है। ऐसा करके कितना डालना है, धीरे 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 धीरे। हाँ बस बस ये हो गया फुल। इसमें लगा, इसमें ये पूरा डाला जाएगा, पूरा ऐसे कर करके सबको डालना है। देखो इंडिकेटर पूरा ऊपर हो गया, मतलब फुल है। इस तरीके से अभी सबको भरना है, 1, 2, 3 और 4, चारों को भरते हैं। अभी ये वाला ख़त्म हुआ है, ये वाला भर रहे, वो लास्ट वाला हो गया, अब वो कोना में एक तो है, उसको बाकी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 बैटरी लगी है। सब में बैटरी डाल, पानी डाल दिए भर भर के। अब कनेक्शन होगा, कनेक्शन खुला सा होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं ग्लव फैन के काम हो रहा है, क्योंकि करंट मार सकता है बैटरी का, करंट जो है ना डीसी वोल्ट भयानक मारता है, इसीलिए हम लोग लगाए। देखिए कनेक्शन मारते मारते आ रहे हैं। ये दो नया बैटरी लगाए हैं लुमिनस का, 150 एएच का है। ये अब कनेक्शन करेंगे, कुछ दिन दरकार नहीं का है, नहीं ग्रीस वो देंगे, लगाने के बाद थोड़ा थोड़ा ग्रीस लगा दिया जाएगा उसमें। तो अभी आप इसको देख रहे हैं, इन नट बोल्ट अभी लगा कनेक्ट करेगा। ग्लास पेन का ही काम करिएगा, खाली हाथ में मत करिएगा कोई भी, जो भी करना चाहता है घर में। और लिंक दिया हुआ वीडियो में, अगर कुछ पूछना है तो उसके लिए अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। अभी 20 बैटरी का कर रहे हैं, सब तो घर का करता है, 2 बैटरी 4 बैटरी, यहाँ टोटल 16 बैटरी है। पहले 20 बैटरी का यूपीएस था, नीचे वाला 15 KV का था, अगला अभी हो गया ये वाला 10 KV का हो गया। इसीलिए देखिए ऐसे पाना से टाइट किया जाएगा, फुल टाइट करना है, थोड़ा भी लूज रहेगा तो गड़बड़ा जाएगा, थोड़ा शॉर्ट मारेगा। इसमें लक्स करके, लक्स लगा के हम लोग किए हैं, 10 mm का वायर से हम लोग कनेक्शन मारे हैं। अभी देखिए दो नया बैटरी को कनेक्ट कर रहे, लास्ट इसमें इसका मुंह आएगा यहाँ पे प्लस, और वो कॉर्नर में जो हम लोग का लगा है वो लगा है माइनस। और ये वायर जाके यहाँ से जाके ऐसे जाके ये आपका कनेक्टर में टाइट है, हम लोग को अभी कनेक्शन करना बाकी है। तो देखते रहिए, हम लोग कनेक्शन करके यूपीएस को ऑन करेंगे। सब तरह की लाइन को हम लोग डायरेक्ट कर दिए हैं, जिससे कि अंधेरा ना हो। ये मैं जोड़ दिया हूँ इनपुट आउटपुट को, तो चल रहा है अभी। ये हो गया इसका जो है वायर को, पहले अभी ये जो है ये प्लस वायर है, इसको पहले छील के बनाना होगा। पहले यहाँ से छील लो, इतना दूर से छील लो, ऐसे फांका टाइप का बनाना होगा, लग तभी मिल नहीं रहा है। तो इसको छील के हम लोग बना लेंगे, छील के इसको बनाएंगे और यहाँ नट से टाइट करेंगे, मेन इनकमर डालेंगे, देखिए कैसा आवाज आएगा। चलो टाइट मारो, हम पकड़े एक तरह से, तुम एक तरह से बना दे दे। उसमें जाके सटना नहीं चाहिए जैसे। चलो
तार है, लाइन को बंद करना पड़ेगा एमसीबी से, उसके बाद यहाँ पर ही मेन आउटपुट हो जाएगा, यहाँ पर ही यहाँ पर इनकमर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग लाइन खोलेंगे, बंद मत करो, रुको पहले पूछ लेंगे, अभी कंप्यूटर चल रहा है। तो ये जॉइंट खोलना होगा, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव देख के डालना है, आउटपुट हो गया ना नेगेटिव पॉजिटिव, अरे वाला हो गया इनकमर, है ना, ठीक है। तो अभी एम सी बी ऑन करें, एपीसी ऑन हुआ, ऑन तो कर दिया लेकिन लाइन अभी तक आया नहीं है भाई। स्नाइडर इलेक्ट्रिकल लाइन नहीं है, अब ले रहा है, स्टार्ट हुआ, स्टार्ट हुआ, लो लाइट जलेगा ना, हाँ आया, ऐसे लिया स्टार्ट, ऐसे करके ले लिया है, लोड हो गया 14.1 है, चालू हो गया, बैटरी इंस्टॉल कर दिए, कौन सा, हाँ चालू हो गया 16.1, अरे फेज है 218.2 वोल्ट, पानी नहीं, पानी था बोल के तो चला नहीं तो उस टाइम ही उड़ जाता, 3 महीना के बाद हुआ है, बीच में उसको बुलाया था नहीं आया, आया था भाई, वो आया तो देखा था सब तो ठीक है, मशीन खराब हो गई, हाँ ये चालू हो गया, हाँ अभी चालू हो गया है, चार्ज ले रहा है, हम लोग चालू कर दिए हैं, तो ऐसा बस यूपीएस चालू हो गया है, हम लोग काम भी सक्सेसफुल हो गया है। तो अपना बैटरी में पानी डालना अवश्य, पानी डालिए, जिसका चक्कर में उड़ गया था देखिए, पानी डाल के फुल किया, ऐसा फुल रखिएगा, और वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ओके, और हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, थैंक यू एंड बाय बाय।